सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम इंडिया फोरम्स। कोशिश कर रहा हूँ नहीं देखने का, क्योंकि वो सरप्राइज एलिमेंट में जो रिएक्शन आते हैं ना, आई थिंक के वो मेरे लिए सही है। सो आई एम ट्राइंग टू नॉट अडल्ट्रेट माई माइंड एंड कीप इट क्लीन। और वहाँ उस वक्त क्या होगा, लाइक आई सेड, आई एम ओके टू मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम ओके टू बी द किंग ऑल्सो। सो जो उस आई एम मेरे को पता है इन लोग कुछ दे हैव समथिंग अप देयर स्लीव, तो देखते हैं अपना जो थोड़ा सा शेल है उसे बाहर आना है। So, hello guys. Today we have Sahil Shroff with us and he's all set to enter Big Boss Season 15. Hello, welcome to India Forum. Thank you very much. How are you? I'm fine. How are you? Bole. Okay. So, सबसे पहले तो मुझे जानना है कि first go में ही आपने हाँ बोल दिया था Big Boss के लिए या काफी time लिया सोचा? मेरे हंसने से आपको पता चल जाएगा कि कोई मेरे जिंदगी में पहली बार सोचेगा कि नहीं हाँ टू डू इट, वो सोचेंगे थोड़ा, क्योंकि एक चैलेंज है ना। तो बिसाइड द फैक्ट कि एक शो है, बहुत ही बड़ा शो है, यू आर वी आर इन अ गुड पोजिशन के यू नो इट्स अ जॉब एट द एंड ऑफ द डे, पर आदमी को टेस्ट करेगा ना ये सिचुएशन, तो वो सोचना तो थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। तो नो आई डिड नॉट से यस टू इट। इससे पहले भी ऑफर हुआ है या दिस इज द फर्स्ट टाइम? जी हाँ, पहले भी अप्रोच किए उन्होंने, पर आई वाज इन लॉस एंजेलिस एंड आई वाज आल्सो हियर, और उस वक्त पे मैं बहुत ही आई थिंक वाज वेरी प्राइवेट, वैसे भी काम से बाहर यू नो जो है एक्लेड्स मिलते हैं, पर बिकॉज आई वाज वेरी प्राइवेट आई थॉट कि यू नो किसी को बताने की जरूरत नहीं है ही नहीं कि मैं कौन हूँ, and feel a little more okay with that now. So I think ke iska har cheez ka ek waqt hota hai, and this came in a very nice flow and the people that are handling this were bahut hi acche hain, so I felt very right about it and why not. Jungle ka theme hai to yes, so yehi mera next question. So are you excited or nervous? I'm excited more than okay. Nervous. I excitement in terms of ke you know mujhe apne aap apna jo thoda sa shell hai usse bahar aana hai, so I'm excited ke how much I will fail and how much I will succeed in the situation, and also jungle ka theme is very aligned with who I am, whatever that means. I might again main gir bhi sakta, so I'm excited to see ke ye ek ghar mein kya karna hai. To jungle ka theme hai. I want to see that. And hopefully there's more greenery and oxygen. Ek jungle hai, jungle ke andar kafi sa you know aapko uncomfortable situations pe bhi dala jayega. To sabse zyada uncomfortable situation agar main aapse poochu to kya ho sakti hai aapke liye? Maine ek dusra show bhi kiya hai, The Amazing Race, to usme thode python ke sath room mein dala tha, to it was very uncomfortable for फिर क्या होता है ना, वो पूरा डिस्कवरी चैनल जो भी देखा है आपके लाइफ में वो एक सेकंड में आ जाता है कि यू हैव टू नो इफ द पाइथन स्टमक इज फुल ऑफ फूड, और वो अगर खाया है तो वो तुम अटैक नहीं करेगा, तो हर एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में कुछ ना कुछ तो आवाज ही आएंगी अंदर से कि ये सोचना ये, तो मजा आएगा यू नो मजा आएगा, आई थिंक बहुत मजा आने वाला है। अगर प्रोमो में हमने देखा है टॉकिंग ट्री भी है, काफी सारी मिस्ट्रीज आप लोगों के सामने आने वाली है, तो आपने प्रोमो देखा है वो जो पेड़ है, वो जो ट्री है जिससे सलमान भी बात करते हैं, वो आपने देखा? मैं काफी कुछ अलग है इस सीजन, यू नो मैं कोशिश कर रहा हूँ नहीं देखने का, क्योंकि वो सरप्राइज एलिमेंट में जो रिएक्शन आते हैं ना, आई थिंक के वो मेरे लिए सही है। सो आई एम ट्राइंग टू नॉट अडल्ट्रेट माई माइंड एंड कीप इट क्लीन। और वहाँ उस वक्त क्या होगा, लाइक आई सेड, आई एम ओके टू मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम ओके टू बी द किंग ऑल्सो। So, जो उस आई एम मेरे को पता है इन लोग कुछ दे हैव समथिंग अप देयर स्लीव, तो देखते हैं ओके, पांच कंटेस्टेंट्स के नाम तो ऑलरेडी रिवील्ड है, और बिग बॉस ओटीटी क्या आपने देखा था, क्योंकि उसमें से तीन कंटेस्टेंट आ रहे हैं। लेट मी पुट इट दिस वे, अगर एक टेस्ट मैच हो इंडिया में और एक स्ट्रेटजी हो किसके सामने और दूसरा एक टेस्ट मैच हो, वो अलग फील्ड होगा, अलग पिच होगा, अलग
एटमोस्फेयर होगा, कुछ भी होगा, तो मेरे को लगता है कि इनके स्ट्रैटेजीज ऑफ कोर्स उनको एक एज देगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उस वक्त पे मैं वो सिचुएशन उनको अभी जंगल का, अगर ये लोग डरेंगे तो उनका कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होगा. तो आई जस्ट थिंक के ऑफ कोर्स उनको एक एज होगा क्योंकि उनको शो में, आई मीन हैट्स ऑफ टू देम, वो दो तीन महीने वहां निकाले, अभी आके फिर से घर में आई हैट्स ऑफ टू देम. आई तो ऑन द कंट्री फील के उनके लेवल्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन और भी बढ़ सकते हैं क्योंकि दे हैव ऑलरेडी डन इट एंड दे माइट हैव टू डील इट अ लिटिल मोर. सो एडवांटेज का डिसएडवांटेज भी हो सकता है. बट हैव यू सीन बिग बॉस ओटीटी? हैव यू सीन देयर गेम? अ फ्यू आई फील देयर इज अ गेम, बट आई फील अ लॉट ऑफ दिस पीपल जो है वो they are themselves also to some extent. kitne time ke liye, you know, you can hide your personality. So Who can be a threat and who can be a friend un teenon mein se? I think all of them can be my friends. Okay. And them can be my enemies also. Okay. That's the game, you know, only the game that. So I have to go and see. The best part about this is it's a fresh approach. Bahar jo aap hain aur andar jaake alag ho sakte hain. It's a completely fresh approach. So they, good luck to them and good luck to me. Because hum sab we are all going to get tested for sure. And also, you know, ghar ke andar humne itne jhagde dekhe hain, itni dosti dekhi hai, you know, love angles bhi dekhe hain. So are you open for everything? Yeah, in life also I'm open for everything. तो आई थिंक कि घर के अंदर जाएंगे तो और ओपन होना चाहिए. तो वी हैव टू बी ओपन अबाउट, या आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग. सो लास्टली व्हाट यू लाइक टू से टू द फैंस, टू द व्यूअर्स, बिग बॉस सीजन 15 में एंटर होने वाले हो तो क्या कहना चाहोगे? पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो. बहुत ही लार्ज स्केल पे है ये शो एंड होपफुली मैं बहुत ही लार्ज स्केल पे आपको एंटरटेन करूंगा. वी विल एंजॉय. आप, मैं कभी अपने लाइफ को इतना पब्लिक में डाला नहीं हूँ. सो आई होप यू एंजॉय हु आई एम. एंड एक चीज़ तो मैं गारंटी दूंगा कि मैं हंसाऊंगा. मैं आई एम अ फ्रेंडली गाय. आई बी माई सेल्फ. एंड सेकेंडली आई विल नॉट चेंज हु आई एम. डजंट मैटर कि गेम है या नहीं, मैं अपने आप को अडेप्ट करूंगा. तो कम एंजॉय द शो, कम एंजॉय द फाइट्स, कम एंजॉय द लव, कम एंजॉय what I am. And please watch and support us as much as you can. Doesn't matter ki hum upar jaye ya niche jaye, we love you and we want to support. Thank you. Thanks so much and all the best. Thank you. Thank you so much. Take care. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.